अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद, और आज का खाना में जो रेसिपी बनने जा रही है वो उन लोगों के लिए है जिनको मटन और चिकन नहीं खाना और बहुत सादा सा खाना खाने जा रहे हैं, मगर बहुत अच्छे टर्न के साथ हम बनाने जा रहे हैं अंडा चिंगारी। और अंडा चिंगारी कैसे बनेगा आप यकीनन पसंद करेंगे अगर इस रेसिपी को पूरा फॉलो किया है। चल के बनाते हैं अंडा चिंगारी। आपसे रिक्वेस्ट करते हुए जाते हैं, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें, बेल करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाए। चलें आ गए हैं किचन में बनाने अंडा चिंगारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान के साथ काम को शुरू करते हैं। एक प्याली ऑयल में, यहाँ आपको प्याज की कटिंग साइज नज़र आ रही होगी, दो मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप कर लिया। अच्छा, अगर आपको सहूलत है तो इसे आप पीस भी सकते हैं ताकि बेहतरीन किस्म का अंडा चिंगारी बनेगा। अंडा चिंगारी अगरचे इंडियन डिश है मगर बहुत अच्छी है, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये मत देखो कौन कह रहा है क्या कह रहा है, वो देखो। हम जब अंडे आलू के सालन में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मगर अगर इस तरह बनाएंगे तो लुक भी अच्छा आएगा और घर के लोग शौक से खाएंगे भी। तो हमने अंडे ये जो प्याज को अपने हल्का गुलाबी कर लिया है, बहुत हल्का गुलाबी करना है मुझे। यहाँ पे ज़्यादा इसे नहीं पकाना। यहाँ पे दो अदद टमाटर को अगेन बहुत छोटी साइज में काट लिया है। यहाँ हम पहले क्या करेंगे, टमाटरों को हल्का सा गला लेंगे। टमाटर हल्के से नरम करने के बाद मेरी रेसिपी आपको पता है फौरन फटाफट बनने वाली। एक टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टी स्पून जीरा, यहाँ पे चलेंगे एक टेबल स्पून भर के किसी लाल मिर्च, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, और इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 6 काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें शामिल करते हैं। यहाँ पे 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला, और यहाँ पे चला जाएगा 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी। ये चीज़ें चली गई। यहाँ पे चला गया हमारा 1 टीस्पून नमक। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे, मैंने यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चों को बारीक साइज की मोटी साइज़ की हरी मिर्चों को काट लिया था। यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाला फॉर्म करूँगा ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाएं। यहाँ पे इसकी हल्की सी मसालों की फ्राइंग करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी शामिल करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे, और यहाँ तक भुनाई करेंगे कि टमाटर हमारे बिल्कुल गायब होकर मसाला बन जाए। ये टमाटरों को देखें यहाँ पे अच्छी तरह से गलाने के बाद, और आपको नजर आ रहा होगा टमाटर बिल्कुल हलवा हो गए। यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगा, मैंने यहाँ पे एक प्याली उबले हुए मटर लिए हैं, फ्रोजन हैं, आप फ्रेश मटर से बना सकते हैं। मैं अंडा चिंगारी में कभी आलू शामिल करता हूँ, कभी शिमला मिर्च और कभी मटर, तो ये अपने ऊपर है कि हम इसमें क्या वेरिएशन ला सकते हैं। आप जब देखेंगे इसकी रेसिपीज आपको बहुत वेरिएशन मिलेगी, क्योंकि इंडिया के हर पार्ट में अंडा चिंगारी अलग तरह से बनाया जाता है। यहाँ इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे ताकि उबले हुए मटर जो है हमारे वो भी मसाले में एक जाम हो जाए। चले मटर भी हमारे बेहतरीन हो गए। अब क्या करेंगे, बड़ा दिलचस्प एक तरीका है। यहाँ पे 2 अंडों को मैंने ले लिया था, इनको रफली बीट करके यहाँ थोड़ा सा एक साइड पे देंगे, और तकरीबन 5 अंडे मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए थे, 1 अंडा बचा लूँगा। 4 अंडों को मैं क्या करूँगा, मुख्तलिफ शेप्स में काटूँगा, कुछ को मैं ताकि चिंगारी का एक बेहतरीन लुक आ जाए। यहाँ पे 1/4 करके भी हम इसमें शामिल कर देंगे। कुछ को हम ज़्यादा कटिंग कर देंगे ताकि हर आपका जो आप चम्मच से जब ले रहे होंगे तो कुछ और शेप के आ जाएं, कुछ ये आ जाएं, और यहाँ पे रिंग शेप में भी काट के अंडा चिंगारी को, यानी कि चिंगारी ही लगा देगा ये अंडा आपके दस्तरखान पे। 1 अंडा हम बचा रहे हैं ताकि गार्निशिंग में बेहतरीन लगेगा। यहाँ थोड़ा सा हल्के हाथ से जो हमने बीटन एग डाला है, यानी कि अंडा फेंट के डाला है, उसको घुमा लेंगे थोड़ा सा। 1 मिनट का इसको हम देंगे दम, और हमारा अंडा चिंगारी तैयार हो जाए। चले 2 मिनट का दम, जो हमने फेंट के अंदर डाला था वो भी हमारा
ये देखें पक गया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा लुक और बेहतरीन किस्म का हमारा अंडे का सालन जिसे कह लें, और मैं तो इसे अंडा चिंगारी इसलिए कहता हूँ कि वाकई जब भी बनाया बहुत पसंद किया गया। यहाँ पे शामिल कर देंगे हरा धनिया और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाएं। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है, आए इसको प्रेजेंट करता हूँ।